जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने सीयूपी उत्तराखंड से खास बातचीत के इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह से वो असंतुष्ट नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ मन साझा करने से साफ इनकार कर दिया। हमारे साथ फायर ब्रांड शख्सियत धनंजय सिंह जी मौजूद हैं और आज इनसे पूर्वांचल की जो गर्म सियासत है उसके बीच क्या चल रहा है सवाल करेंगे। इसके साथ एक फैसला इनका भी है वो भी जानेंगे। तो जनता के बीच एक ऐलान, धनंजय जी क्या है ये ऐलान? जनमानस के भावनाओं के अनुरूप कल हमने एक निर्णय लिया था और जो जनता के भाव थे वही मैंने कल घोषणा की थी कि लोग चाहते थे कि बीजेपी का समर्थन हो जाए सत्ता पक्ष के साथ, तो वही हुआ। धनंजय जी अब एक सवाल, जो अगला निर्णय आपका, सबकी नजर अब उस पे है कि अब अगला निर्णय क्या, क्या यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनके साथ आप दिखेंगे, क्या आगे का जो निर्णय है वो कुछ और होगा या सिर्फ और सिर्फ आम जनता के बीच रहेंगे? मैं किसी स्थानीय प्रत्याशी के साथ नहीं दिखने जा रहा। पहली चीज, हम अपने लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात करते हैं। मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के मंच को शेयर नहीं करने जा रहा हूँ, पहली चीज़ें जान लीजिए। हाँ, हमारे लोगों के भाव थे तो मैंने कह दिया और वो हमारे लिए देंगे वोट, हमारे हमसे मिलेंगे, ठीक है। स्थानीयता का सवाल नहीं यहाँ पे, हम जनमानस के लोगों के भाव का सवाल था ये। तो धनंजय सिंह जी लोकप्रिय नेता के तौर पे जाने जाते हैं, मददगार के तौर पे जाने जाते हैं। एक आखिरी सवाल और करना चाहूंगा कि जिस तरह से ये फैसला आपका सामने आया है उसके बाद क्या लग रहा है, कितनी सीटों पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मैं तो बहुत बड़ी बात नहीं करने जा, जौनपुर की दोनों सीटों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अब मुझे तो लगता है मुश्तीसर रिजर्व सीट बीजेपी जीत जाएगी आसानी से, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जौनपुर शहर में टफ कॉन्टेस्ट है क्योंकि बड़बोलापन यहाँ के नेताओं को उनको खा ले जाएगा।